आयोग का गठन करना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही महाराष्ट्र के मामले में आदेश देने का काम किया था। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमने बयान देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आयोग बना के, आयोग बनाइए, और इसलिए आयोग नहीं बनाने के कारण ये बात है। अब बुद्धि कहीं बाजार में उधार मिलता है कि बिकता है कि उनको दे दिया जाए। क्या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार अति पिछड़ा विरोधी है? भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था। नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया है, बिहार के अति पिछड़ों के साथ। जो सभी उम्मीदवार बिहार के नगर निकाय में उतरे, उनके साथ आर्थिक खिलवाड़ करने का काम किया। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है। कि सुप्रीम कोर्ट आप चले, लेकिन इसके पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, विधानसभा में संकल्प लीजिए कि अति पिछड़े को आरक्षण देंगे, और एक आयोग का गठन कीजिए। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बिहार विधानसभा का सत्र बुलाइए और आयोग का गठन करके, आयोग का गठन करिए। अरे वाह भाई, हम सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य सरकार नहीं जाएगी तो आयोग का गठन काहे करेगी? हमारा एक्ट तो 2006 से 2007, आप आयोग का गठन करा के अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहे। लेकिन भाजपा अति पिछड़ों के सम्मान के लिए कहीं भी सर झुकाने के लिए तैयार। पिछड़ा वर्ग बिहार का ये जानता है कि हमारा है असली हितैषी नीतीश कुमार जी। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि कल बिहार के सभी मुख्यालय पर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का काम करेंगे। हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम ये तय करेंगे, और एक सप्ताह के अंदर उस कार्यक्रम को तय करके घोषित करेंगे।